Hello students, welcome back. Hope you all are doing good. In this video, we will discuss the Laplace transform. But before starting this, we should know what is the integral transform. Integral transform kya hota hai? Look. Integral transform. Ye kya hota hai? Let KPT be a function of PNT. Where P is a parameter independent of T. Fine. And let us suppose F T is a function of T and we want to find the integral transform of F T. Fine. F T एक function है T का और हमें F T का integral transform find करना है. तो इसको हम denote करते हैं T F T से. या फिर आई एफ टी से भी डिनोट कर देते हैं हम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी को. फाइन, ये हो जाता है इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी के पी टी एफ टी डी टी एंड दिस इंटीग्रल इज अज्यूम टू बी कन्वर्जेंट. फाइन, और इस इंटीग्रल को जब आप सॉल्व करोगे तो जो आपको रिजल्टेंट मिलेगा वो सम फंक्शन ऑफ पी मिलेगा. फाइन, वी कैन राइट इट एज एफ पी. This is the integral transform of ft. ft कोई function है t का और इसका हमें integral transform find करना है. तो हम इसको denote कर देते हैं t ft से. और ये हो क्या जाता है? कैसे find करेंगे? Integral minus infinity to infinity kpt ft dt. इसको जब आप solve करोगे तो आपको जो result मिलेगा वो function of p मिलेगा. तो इसको हम ft से denote कर देते हैं. ठीक है? So this is the integral transform of ft. Fine. Here the function KPT is called the kernel of the transformation ये जो function है ना KPT, PT का जो function है KPT, इसको हम बोलते हैं kernel of the transformation. अलग अलग इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के लिए कर्नल वेरी करता है, मींस कर्नल चेंज हो जाता है. ठीक है? अब अगर आपको कर्नल ये मिल रहा हो, इफ द कर्नल के पी टी इज डिफाइंड एज जीरो फॉर टी इज लेस देन जीरो एंड ई रेज़ टू द पावर माइनस पी टी for t is greater than equal to 0. अगर आपको कर्नल ये गिवन हो 0 when t is less than 0 and e raised to power minus pt when t is greater than equal to 0, तो हम इस इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म को बोलते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म. फाइन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म. ठीक है? तो अगर हम कर्नल इसमें ये पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? f t कोई फंक्शन है t का. ठीक है? और इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, तो हम इसको डिनोट कर देते हैं एल एफ टी, मींस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी. फाइन, और ये क्या हो जाएगा? यहां पर देखिए, यहां पर इंटीग्रल की लिमिट्स क्या है? माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी. अब यहां पर कर्नल ये पुट करने के लिए हमें इस इंटीग्रल को दो इंटीग्रल्स में ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहां पर जब t लेस देन 0 है तो फंक्शन 0 है और जब t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? e की पावर माइनस pt. तो हम इसको दो इंटीग्रल्स में ब्रेक करेंगे, माइनस इनफिनिटी टू 0 और दूसरा वाला 0 टू इनफिनिटी. व्हेन t इज लेस देन 0 kpt इज 0. ठीक है? तो पहला वाला इंटीग्रल क्या हो जाएगा? 0. सेकंड वाला इंटीग्रल क्या है आपका? 0 टू इनफिनिटी. 0 टू इनफिनिटी वाले में जो आपका कर्नल पुट करोगे वो क्या पुट करोगे? e रेज़ टू द पावर माइनस 8 pt. फाइन, बिकॉज़ द फंक्शन इज e रेज़ टू द पावर माइनस pt व्हेन t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है? तो आपका ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा? 0 टू इनफिनिटी और कर्नल क्या आ जाएगा? e रेज़ टू द पावर माइनस pt. फाइन, ft dt. ठीक है? और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा वो कुछ सम फंक्शन ऑफ p मिलेगा. ठीक है? तो वी कैन राइट इट एज fp. फाइन, सो दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन ft. फाइन, तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन. किस तरह से फाइंड करते हैं? क्या होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft? इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस pt ft, और इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू t.
लिमिट्स लगा देते हैं 0 टू इनफिनिटी, जो आपको रिजल्टेंट मिलेगा वो मिलेगा फंक्शन ऑफ p, फाइन. तो दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन फंक्शन ft, फाइन. कहीं कहीं किसी किसी बुक्स में आपको p की जगह पर s भी मिलेगा, p की जगह पर s लिखा होगा, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दिस. अगर s होगा यहाँ पर मीन e की पावर माइनस st ft dt, तो जो आपको रिजल्टेंट मिलेगा वो हो जाएगा आपका फंक्शन ऑफ s, ठीक है. तो दैट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन फंक्शन ft, फाइन. आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करते हैं. अब कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे, फाइन. तो फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन f(t) = 1, मींस हमें 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, ठीक है. अभी हमने पढ़ा कि फंक्शन ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करते हैं. लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f(t) = इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस pt f(t) dt. यहां पर हमारा फंक्शन क्या है, 1. 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है हमें. Means Laplace transform of 1, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e raised to the power minus pt, और फंक्शन क्या है, 1. तो यह हो जाएगा 1 dt. e raised to the power minus pt dot 1 means e raised to the power minus pt, means e raised to the power minus pt को हम इंटीग्रेट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, और ये लिमिट्स लगा देंगे 0 टू इंफिनिटी, फाइन. तो e की पावर माइनस pt का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस pt अपॉन माइनस p, और इसमें लिमिट्स लगा देंगे 0 टू इंफिनिटी, ठीक है. जब हम इसमें लिमिट्स लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब अपर लिमिट लगाओगे तो ये आपको क्या मिलेगा, e की पावर माइनस p डॉट इंफिनिटी, मींस e की पावर माइनस इंफिनिटी. e की पावर माइनस इंफिनिटी मींस 0, 0 अपॉन p मींस 0, तो ये मिल गया 0 माइनस. लोअर लिमिट लगाएंगे जब, तो ये आपको मिलेगा e की पावर माइनस p डॉट 0 मींस e की पावर 0, e की पावर 0 मींस 1, 1 अपॉन माइनस p, तो ये हो जाएगा 1 upon minus p, means 1 upon p, ठीक है. तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या मिला हमें, 1 upon p, ठीक. फॉर p इज ग्रेटर देन 0, सिर्फ p इज ग्रेटर देन, ये p इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन इसलिए नेसेसरी है क्योंकि सिर्फ इसी कंडीशन, सिर्फ p इज ग्रेटर देन 0 पर ही ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है. अगर हम p लेस देन 0 रख दें या इक्वल टू 0 रख दें तो ये इंटीग्रल आपका कन्वर्जेंट नहीं रहेगा. देखो अगर हम p इक्वल टू 0 रख दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, e की पावर 0, e की पावर 0 मींस 1, ठीक है. और 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा, t जब लिमिट्स लगा दो लगाओगे तो क्या मिलेगा, इन्फिनिटी माइनस 0 मींस इन्फिनिटी बन जाएगा, ठीक है. अगर हम p लेस देन 0 रखें, अगर हम p लेस देन 0 रख देंगे मींस कुछ नेगेटिव क्वांटिटी होगी, यहाँ पर जब कुछ नेगेटिव रखोगे तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा. मान लो पॉजिटिव का p मिल गया, ठीक है, इन e की पावर pt मिल गया, ठीक है. तो e की पावर pt को जब आप इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू t का, आपको मिलेगा e की पावर pt अपॉन p, ठीक है, e की पावर pt अपॉन p, ये नेगेटिव नेगेटिव नहीं आएंगे तब, ठीक है. जब इसमें लिमिट्स लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, e की पावर infinity, जब आप लिमिट लगाओगे तो e की पावर infinity मिलेगा, और e की पावर infinity मींस infinity, ठीक है. तो तब भी आपको infinity मिल रहा है, ठीक है. तो सिर्फ p इज ग्रेटर देन 0 पर ये इंटीग्रल आपका कन्वर्जेंट है, ठीक है. तो ये इसके लिए नेसेसरी कंडीशन है. तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज 1 अपॉन p for p is greater than 0, fine. Now next we have to find the Laplace transform of the function ft is equal to t raised to the power n, where n is any real number greater than minus 1, means t की power n का हमें Laplace transform find करना है, जहाँ पर n क्या है, कोई real number greater than minus 1, fine. तो करते हैं, अभी हमने पढ़ा कि Laplace transform of ft क्या होता है, कैसे find करते हैं, integral 0 to infinity e raised to the power minus pt ft dt, ठीक है. जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेस्ट टू पावर n फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, t रेस्ट टू पावर माइनस pt, और फंक्शन क्या है यहाँ पर, t रेस्ट टू पावर n dt, ठीक है. अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, और ये लिमिट्स लगा देंगे 0 टू इनफिनिटी. अब इसको हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे, देखो इसको हम लिख सकते हैं 0 टू इनफिनिटी e रेस्ट टू पावर माइनस pt, और t की पावर n को हम लिख सकते हैं t रेस्ट टू पावर n प्लस 1 माइनस 1 लिख सकते हैं, मींस 1 को ऐड कर दिया, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है. और ये क्या मिल जाएगा आपको, गामा n प्लस 1 अपॉन p की पावर n प्लस 1 फॉर p इज ग्रेटर देन 0, कैसे, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ गामा फंक्शन. देखो गामा फंक्शन में हमने पढ़ा था इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेस्ट टू माइनस ax x की पावर m माइनस 1 dx,
ये क्या हो जाता है गामा एम अपॉन ए रेज टू द पावर एम। गामा फंक्शन में हमने पढ़ा था कि इंटीग्रल 0 टू इनफिनिटी ई रेज टू माइनस एक्स एक्स की पावर एम माइनस 1 डीएक्स इज इक्वल टू गामा एम अपॉन ए की पावर एम। यहां पर देखिए यहां पर ये फॉर्म बन रही है ना इंटीग्रल 0 टू इनफिनिटी ई की पावर माइनस पी टी, ए की जगह पर क्या है यहां पर पी है, टी की पावर एन प्लस 1 माइनस 1 यहां पर एन की जगह पर क्या है एन प्लस 1 यहां एम होता है ना तो यहां पर क्या है एन प्लस 1। तो ये क्या हो जाता है गामा एम अपॉन ए की पावर एन, तो यहाँ क्या हो जाएगा गामा एन प्लस वन अपॉन ए क्या है पी, तो पी की पावर एन प्लस वन। ठीक है, तो इस तरह से हमने बाय प्रॉपर्टी ऑफ गामा फंक्शन ये लिख दिया, दिस इज इक्वल टू गामा एन प्लस वन अपॉन पी की पावर एन प्लस वन फॉर पी इज ग्रेटर देन जीरो। ये भी इसके लिए इस इंटीग्रल के लिए आपका नेसेसरी कंडीशन है क्योंकि सिर्फ पी इज ग्रेटर देन जीरो पर ही ये इंटीग्रल आपका कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, सेकेंडली इसके लिए आपकी नेसेसरी कंडीशन होती है कि ए इज ग्रेटर देन जीरो एंड एम इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा मींस p इज ग्रेटर देन 0 एंड n प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, n प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है कि n इज ग्रेटर देन माइनस 1। ये तो हमें गिवन था कि इफ एनी n इज एनी रियल नंबर ग्रेटर देन माइनस 1। ठीक है, उसके लिए हमें t रेज टू पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना था। ठीक है, तो व्हेन n इज ग्रेटर देन माइनस 1 द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज टू पावर n इज गामा एन प्लस वन अपॉन पी रेज़ टू द पावर एन प्लस वन फॉर पी इज ग्रेटर देन जीरो। फाइन, नाउ वी हैव टू फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू टी रेज़ टू द पावर एन व्हेन एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। मींस हमें टी रेज़ टू द पावर एन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है और यहां पर एन क्या है एनी पॉजिटिव इंटीजर। फाइन, कैसे फाइंड करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, अभी हमने पढ़ा क्या हो जाता है इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी ई रेज़ टू द पावर माइनस पी टी एफ टी डी, कैसे फाइंड करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज़ टू द पावर एन। ये क्या हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू इनफिनिटी ई रेज़ टू द पावर माइनस पी टी, फंक्शन क्या है टी रेज़ टू द पावर एन जहां पर एन क्या है कोई पॉजिटिव इंटीजर। फाइन, तो अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, अभी जैसे हमने किया ना सेम वैसे ही करेंगे इंटीग्रल 0 टू इनफिनिटी ई रेज़ टू द पावर माइनस पी टी टी की पावर एन को हम लिख सकते हैं टी की पावर एन प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, मींस 1 को ऐड कर दिया 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया और इसको बाय द प्रॉपर्टी ऑफ गामा फंक्शन क्या लिख सकते हैं गामा एन प्लस वन अपॉन पी की पावर एन प्लस वन, जैसे कि अभी किया था लास्ट। ठीक है, क्या मतलब गामा एन प्लस वन अपॉन पी की पावर एन प्लस वन और यहां पर एन क्या है कोई पॉजिटिव इंटीजर, तो हम इसको लिख सकते हैं गामा एन प्लस वन को एन फैक्टोरियल। ये भी हमने पढ़ा है गामा फंक्शन में कि गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल इफ एनी एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन पी की पावर एन प्लस वन और p is greater than 0 क्योंकि p is greater than 0 पर ही इंटीग्रल आपका कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज़ टू द पावर n ये क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन p रेज़ टू द पावर n प्लस 1 फॉर p is greater than 0। फाइन, नाउ नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन ft is equal to e रेज़ टू द पावर at मींस e रेज़ टू द पावर at का हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू द पावर at, तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस pt e रेज़ टू द पावर at एंड dt। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू द पावर, देखो यहां पर e रेज़ टू द पावर माइनस pt यहां है e की पावर at। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं e की पावर माइनस pt प्लस at। ठीक है, dt। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉमन ले ले रहे हैं p माइनस a p dt, इसको लिख सकते हैं e की पावर माइनस pt प्लस at। फाइन, e की पावर और उसमें t को कॉमन ले लो t एंड नेगेटिव माइनस t को कॉमन ले लोगे तो आपको क्या मिलेगा ब्रैकेट में p माइनस a। फाइन, माइनस t को हमने कॉमन ले लिया तो ये आपको मिल गया इंटीग्रल 0 टू इनफिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस p माइनस a t dt। फाइन, और इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t और लिमिट्स लगा देंगे 0 टू इनफिनिटी, जो आप इसको इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू t तो आपको क्या मिल जाएगा e रेज़ टू द पावर माइनस p माइनस a t अपॉन माइनस p माइनस a। ठीक है, और इसमें जब हम लिमिट्स लगाएंगे 0 टू इनफिनिटी तो ये आपको क्या मिल जाएगा देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब हम अपर लिमिट लगाएंगे तो आपको मिलेगा e की पावर माइनस पी माइनस ए इनफिनिटी मींस e की पावर माइनस इनफिनिटी, e की पावर माइनस इनफिनिटी मींस 0 0 माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा e रेज़ टू द पावर माइनस पी माइनस ए डॉट 0 मींस e की पावर 0, e की पावर 0 मींस 1, तो 1 अपॉन माइनस पी माइनस ए है या माइनस पी माइनस ए है ना, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये आपको क्या मिल गया 1 अपॉन p माइनस a फॉर p
इज ग्रेटर देन ए, ठीक है, ये इस इंटीग्रल के लिए नेसेसरी कंडीशन है, क्योंकि सिर्फ पी इज ग्रेटर देन ए पर ही ये इंटीग्रल आपका कन्वर्जेंट होगा, ठीक है, अदरवाइज पी इज लेस देन इक्वल टू ए के लिए ये इंटीग्रल आपका डाइवर्जेंट हो जाएगा। देखो अगर यहां पर आप इक्वल टू ए रख दो, यहां पर अगर आप ए रख दोगे पी के प्लेस पर, अगर ये पी ए के इक्वल होता तो यहां पर आप क्या रख देते पी के प्लेस पर ए, मींस ए माइनस ए, ए माइनस ए मींस जीरो, जीरो डॉट टी मींस जीरो, मींस ए की पावर जीरो, ई की पावर जीरो मींस वन, तो वन को आप इंटीग्रेट करते विद रिस्पेक्ट टू टी तो आपको क्या मिलता टी, जब लिमिट्स लगाते जीरो टू इन्फिनिटी तो आपको क्या मिलता इन्फिनिटी माइनस जीरो मींस इन्फिनिटी, ठीक है। अगर पी लेस देन ए रख दें तब, अगर यहां पर पी लेस देन ए रख दोगे तो ये दोनों टर्म्स आपके नेगेटिव पे हो जाएंगे, ये दोनों नेगेटिव पे हो गए तो नेगेटिव से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पॉजिटिव वाला टर्म मिल जाएगा, और पॉजिटिव वाला अगर यहाँ पर टर्म हो गया तो जब आप उसको इंटीग्रेट करोगे और लिमिट लगाओगे तो फिर से आपको इन्फिनिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ पी इज ग्रेटर देन ए पर ये इंटीग्रल आपका कन्वर्जेंट है, पी लेस देन इक्वल टू ए पर आपका इंटीग्रल कैसा हो जाएगा डाइवर्जेंट हो जाएगा, तो ये इस इंटीग्रल के लिए नेसेसरी कंडीशन है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e raised to the power a t is equal to 1 upon t minus a for p is greater than a. Fine. कुछ और functions के लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे। Now we have to find the लाप्लास ट्रांसफॉर्म of function f t is equal to sin a t. Means sin a t का हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा? लाप्लास ट्रांसफॉर्म of sin a t is equal to integral 0 to infinity e raised to the power minus b t sin a t d t. इसको हमें इंटीग्रेट करना है with respect to t. देखो हमें पता है कि इंटीग्रल e रेज़ टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स क्या हो जाता है, अगर हम इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो ये आपको क्या मिल जाता है e की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देन ब्रैकेट में ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, ठीक है। तो यहां पर ए के प्लेस पर क्या है माइनस बी, ठीक है, और बी के प्लेस पर क्या है ए, फाइन, और इंटीग्रेशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर माइनस बी टी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फाइन, माइनस पी साइन ए टी एंड माइनस ए कॉस ए टी, फाइन, और इसमें हम लिमिट लगा देंगे जीरो टू इंफिनिटी, ठीक है। इसी तरह से अगर ये जो इंटीग्रल है इसमें अगर साइन बी एक्स की जगह कॉस बी एक्स होता तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाता है e रेज़ टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, फाइन, तो इसलिए हम डायरेक्टली इसको इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, e रेज़ टू माइनस बी टी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी साइन ए टी माइनस ए कॉस ए टी, यहां पर ये वाला फॉर्मूला लगाया, अगर कॉस होता तो ये वाला फॉर्मूला लगा देते, ठीक है। अब इसमें लिमिट्स लगाएंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, देखो e की पावर जब आप अपर लिमिट लगाओगे तो e की पावर माइनस पी डॉट इन्फिनिटी मीन्स e की पावर माइनस इन्फिनिटी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी मीन्स जीरो, तो मिल जाएगा आपको जीरो, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट लगाओगे तो मिलेगा e की पावर माइनस पी डॉट जीरो मीन्स e की पावर जीरो, e की पावर जीरो मीन्स वन, ठीक है, तो वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहां से क्या मिलेगा आपको जब t के प्लेस पर जीरो पुट करेंगे तो माइनस पी साइन जीरो इज जीरो, तो मीन्स ये जीरो हो गया, ए कॉस जीरो मीन्स वन, तो माइनस ए मिल जाएगा, माइनस ए, माइनस ए मीन्स यहाँ पर ऑलरेडी नेगेटिव है तो ये हो जाएगा प्लस और यहाँ आ जाएगा ए, ठीक है, ये मिल गया आपको ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फाइन, फॉर पी इज ग्रेटर देन जीरो, बिकॉज पी इज ग्रेटर देन जीरो नेसेसरी कंडीशन है इस इंटीग्रल के कन्वर्जेंट होने के लिए, ठीक है। तो ये होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए a upon b square plus a square for p is greater than 0. इसको हम एक और तरीके से फाइंड कर सकते थे, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म मींस इसको हम इंटीग्रेट एक और तरीके से कर सकते थे, देखो कैसे, ये हो गया, ठीक है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin a t इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस p d sin a t dt, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस p t, देखो साइन ए टी को हम अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं e की पावर आई ए टी माइनस e की पावर माइनस आई ए टी अपॉन टू आई, ठीक है, डी टी लिख सकते हैं इसको, बाय यूलर्स फॉर्मूला e की पावर आई थीटा क्या होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और e की पावर माइनस आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा,
और इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको ये आई साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पॉजिटिव में या नेगेटिव में है, यहाँ से बच जाएगा टू कॉस थीटा। अगर ऐड करेंगे तो टू कॉस थीटा इज इक्वल टू ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा ये मिल जाएगा, और ये टू को इधर ले जाएंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा अमाउंट टू हो जाएगा। इसी तरह से अगर सेकंड वाली इक्वेशन को फर्स्ट वाली इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको साइन थीटा मिल जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा आपको टू आई साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस करने ना तो cos थीटा तो कैंसिल हो जाएंगे, e की पावर आई थीटा माइनस e की पावर माइनस साइन थीटा ये मिल जाएगा। ठीक है, तो मीन साइन थीटा इज इक्वल टू ये 2i नीचे आ जाएगा, ये हो जाता है साइन थीटा इज इक्वल टू e की पावर आई थीटा माइनस e की पावर माइनस साइन थीटा अपॉन 2i। ठीक है, तो साइन 80 को हम क्या लिख सकते हैं e की पावर आई 80 माइनस e की पावर माइनस आई 80 अपॉन 2i। फाइन, इनको अलग अलग कर देंगे, 1 अपॉन 2i को इंटीग्रल के बाहर लिख सकते हैं और ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी और e की पावर आई ए टी डी टी, तो अलग अलग इंटीग्रल से लिख लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी और डॉट e की पावर माइनस आई ए टी डी टी, ये आपको हो जाएगा 1 अपॉन 2i और इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस pt e की पावर i at मींस e की पावर माइनस pt प्लस i at और यहां से हम माइनस t को अगर कॉमन ले लें तो ये आपको मिल जाएगा e की पावर माइनस और ये मिल जाएगा आपको p माइनस i at। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट वाला इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस pt माइनस i at, तो यहां से भी अगर हम माइनस t को कॉमन ले लें तो ये आपको मिल जाएगा माइनस p प्लस i at। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा e की पावर माइनस p प्लस आई ए टी अपॉन माइनस p प्लस आई ए। ठीक है, लिमिट्स लगा देंगे 0 टू इंफिनिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2i। देखो जब इसमें लिमिट्स लगाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो देखो यहां पर जब आप अपर लिमिट लगाओगे तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस इंफिनिटी, की पावर माइनस इंफिनिटी मींस 0। ठीक, तो ये हो जाएगा 0 माइनस लोअर लिमिट लगाओगे तो e की पावर 0 हो जाएगा, e की पावर 0 मींस 1, तो 1 अपॉन p माइनस आई ए, p माइनस आई ए कैसा है नेगेटिव है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव में 1 अपॉन p माइनस आई ए। ठीक है, माइनस यहां पर भी सेम e की पावर जब अपर लिमिट लगाओगे तो e की पावर माइनस इंफिनिटी हो जाएगा मींस 0 तो हो जाएगा 0 और लोअर लिमिट लगाओगे तो ये आपको मिल जाएगा e की पावर 0 मींस 1 तो 1 अपॉन p प्लस आई ए, यहां पर भी नेगेटिव है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव में 1 अपॉन p प्लस आई ए। ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन 2i और 1 अपॉन p माइनस आई ए माइनस 1 अपॉन p प्लस आई ए ये है तो डिनोमिनेटर में मतलब ये दो टर्म्स है ना लिख लेते हैं p माइनस आई ए माइनस 1 अपॉन p प्लस आई ए। ठीक है, 1 अपॉन 2i और यहां पर आप एलसीएम ले लो p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ये मिलेगा आपको p स्क्वायर माइनस i स्क्वायर a स्क्वायर और i स्क्वायर मींस माइनस 1 p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा p प्लस आई ए और माइनस पी माइनस आई ए है तो प्लस आई ए हो जाएगा, प्लस पी माइनस पी कैंसिल, ये आपको मिल जाएगा टू आई ए अपॉन टू आई पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये टू आई से टू आई कैंसिल हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर भी मिला था ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चाहो तो आप इस मेथड से कर लो इसको इंटीग्रेट, चाहो तो डायरेक्टली इस तरह से कर लो। ठीक है, अब इसी तरह से अगर यहाँ पर साइन 80 की जगह कॉस 80 होता उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाता, लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू कॉस 80, कॉस 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू माइनस पी टी कॉस 80 डी टी। अभी मैंने बताया कि इंटीग्रल ऑफ ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आपको क्या बताया ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। फाइन, तो यहां पर ई के प्लेस पर क्या है माइनस पी
और b के बेस पर a है, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल माइनस पी टी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस पी कॉस ए टी प्लस ए साइन ए टी। फाइन, और इसमें लिमिट लगा देंगे जीरो टू इंफिनिटी। देखिए जब इसमें लिमिट्स लगाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब अपर लिमिट लगाओगे तो e की पावर माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, मींस जीरो हो जाएगा, जीरो माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो e की पावर जीरो मींस वन, तो वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर जब लगाओगे तो ये हो जाएगा माइनस पी कॉस जीरो, कॉस जीरो मींस वन, तो माइनस पी बन जाएगा, यहाँ पर साइन जीरो मींस जीरो, ठीक है, सिर्फ माइनस पी मिलेगा, तो माइनस यहाँ ऑलरेडी है तो प्लस में हो जाएगा पी। फाइन, तो ये आपको मिल गया पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फाइन, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी इज इक्वल टू पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर पी इज ग्रेटर देन जीरो। फाइन, दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी। ठीक है, अब चाहो तो आप इसको ऐसे भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, cos at को आप लिख सकते हो e पर i at plus e पर minus i at upon 2, ठीक है, फिर अलग अलग इंटीग्रल्स करके उसको इंटीग्रेट कर दो, तो भी आपको यही मिल जाएगा जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन लास्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म में किया था। ठीक है, तो वैसे भी कर सकते हो आप, चाहे तो ऐसे डायरेक्टली कर लो। अब नेक्स्ट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन f इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक at। साइन हाइपरबोलिक at का हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। देखो साइन हाइपरबोलिक at को हम लिख सकते हैं e की पावर at माइनस e की पावर माइनस at अपॉन 2 लिख सकते हैं, ठीक है, और इसमें 1 अपॉन 2 को हम बाहर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर at माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस at। ठीक है, 1 अपॉन 2 को बाहर ले लिया तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म e की पावर at माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म e की पावर माइनस at। ठीक है, 1 upon 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर at, अभी हमने पढ़ा था कि e की पावर at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1 upon t minus a, 1 upon p minus a minus, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर minus at क्या हो जाएगा, 1 upon p plus a। ठीक है, तो 1 upon 2 और LCM ले लो यहां पर, तो ये हो जाएगा p square minus a square, और न्यूमरेटर में आ जाएगा p plus a minus p plus a। फाइन, तो p minus p कैंसिल, ये हो जाएगा 2a upon 2 पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फाइन, 2 से 2 कैंसिल, ये आपको मिल जाएगा ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फाइन, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी इज इक्वल टू ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर पी इज ग्रेटर देन मोड ए। फाइन, तो दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी, ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर पी इज ग्रेटर देन मोड ए। फाइन, इसी तरह से cos hyperbolic at होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो फंक्शन f t इज इक्वल टू cos hyperbolic at, cos hyperbolic at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे, cos hyperbolic at को हम लिख सकते हैं e की पावर at प्लस e की पावर माइनस at अपॉन 2, ठीक है, 1 अपॉन 2 को बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर at प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस at। 1 upon 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर at क्या होता है, 1 upon p minus a, अभी हमने पढ़ा, प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस at क्या हो जाएगा, 1 upon p plus a। ठीक है, और LCM लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा p square minus a square, न्यूमरेटर में आ जाएगा p plus a plus p minus a, तो a minus a कैंसिल, ये मिल जाएगा आपको 2p upon p square minus a square, 2 यहां पर भी है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा p अपॉन p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। फाइन, सो दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos hyperbolic at फॉर p इज ग्रेटर देन मोड a। फाइन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म cos hyperbolic at इज इक्वल टू p अपॉन p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर फॉर p इज ग्रेटर देन मोड a। फाइन, तो आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा, अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। फाइन, so that's all for today, thank you very much.